You are listening to SRM Podcast, podcast for everyone. दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल. मैं हूँ आदित्य और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अभिषेक. हेलो अभिषेक. हेलो आदित्य, कैसे हैं आप अभिषेक? बहुत बढ़िया, और आप कैसे? मैं भी बढ़िया. और मेरे साथ मौजूद है मेरे दूसरे साथी अनुभव. हेलो अनुभव. हेलो आदित्य, कैसे हो आप दोनों? मैं बिल्कुल अच्छा. और ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अजीब सा था, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था. क्योंकि पहले 500 केस आते थे, हम लोग भयभीत रहते थे, अभी लगभग 50,000 के करीब केस आने लगे और हम लोग घर के अंदर ही हैं, तो ये थोड़ा बहुत अजीब सा था. तो अभिषेक, इस हफ्ते हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? इस हफ्ते बहुत सारे मुद्दे उठे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, और सबसे बड़ा तो आज हुआ है कि केसेस ने रिकॉर्ड में केसेस आए हैं 48,661, जो कि रिकॉर्ड है अपने आप में. लेकिन इसके साथ एक और रिकॉर्ड बना है, वो है रिकवरी लोगों का. कितने लोग रिकवर्ड हुए हैं जिनको जो इन्फेक्टेड थे कोरोना वायरस से, उसने आज रिकॉर्ड बनाया. 36,145 लोग आज रिकवर्ड हुए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको एक्नॉलेज किया है. और आज तारीख है 26 जुलाई और हम 8 बजे इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं. उस समय तक हमारे जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं भारत में, वो करीब 13,90,000 के आसपास पहुंच चुके हैं. तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा, क्योंकि केसेस जो कन्फर्म केसेस हैं वो 14,35,751 हो गए हैं, और मरने वालों की संख्या 32,810 है. और अभी रात के 8 बजे तक 48,000, जैसा आपने बताया, 48,600 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं. तो शुरू करते हैं अभिषेक आपसे, कि इस हफ्ते कोरोना से जुड़ी खबरें क्या है, क्योंकि मैंने सोचा कि हम लोग कोरोना पे ही बात करें, क्योंकि भारतीय मीडिया से कोरोना एक तरीके से गायब हो चुका है. वहां पर राम मंदिर का उद्घाटन जो होना है, वो सब सारी चीजें आ रही हैं, राहुल गांधी वीडियो बना रहे, तो उनकी खिंचाई हो रही है, पर कोरोना गायब सा है. तो मुझे लगा कोरोना के बारे में सचेत करना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो रही है. बिल्कुल 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 सही बोला आदित्य आपने. अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये कोरोना अपने आप में एक दैत्य रूप ले लेगा, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि राम मंदिर हम लोग करते रहेंगे और कौन सा दैत्य आके हमको खत्म करके चला गया. तो डरने की वैसे जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेना सही है, मन की शांति के लिए योगा करना सही है, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए. लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है जागरूक होना. ना ही हमें इसे डरना है कोरोना से, ना ही इससे हमें निश्चिंत हो जाना है कि भाई कुछ नहीं करने वाला है. तो यही इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ. पहला हुआ कि एक सीरो प्रिवेलेंस स्टडी हुई NCDC द्वारा, इसके बारे में हम बात करेंगे. और उसके अलावा इंडिया ने टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट, मतलब 3T करके एक मुहिम लॉन्च करी है टेस्टिंग बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ ट्रैक करने के लिए लोगों को, और उसके बाद उनको ट्रीट करने के लिए, मतलब उनका ट्रीटमेंट करने के लिए. और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साथ ही साथ ने एक वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है, जिसका नाम है AZD1222, उस वैक्सीन का नाम है. और भारत बायोटेक ने भी, जो कि एक प्राइवेट संस्था है, ICMR के साथ मिलके और एक कोवैक्सीन करके वैक्सीन का ट्रायल उसने भी शुरू कर दिया अलग अलग इंस्टीट्यूट में. तो अनुभव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या, आपकी क्या राय इस हफ्ते से जुड़े कोरोना के केसेस, बढ़ते हुए केसेस को लेकर के? आदित्य, इस हफ्ते जितने कोरोना के केसेस बढ़े, हमें ये बात अब पक्का पता चल चुकी है कि कोरोना भारत में अब कम्युनिटी स्टेज में आ चुका है. पिछले हफ्ते जो 35-38,000 केसेस आ रहे थे, अब वो तकरीबन 50,000 केसेस डेली आने लगे हैं. और जो जो स्टडी की बारे में बात की, जो दिल्ली में स्टडी, उसमें ये पता चला कि 23% पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली हैज COVID-19 एंटीबॉडीज इन देम, यानी कि उनको कभी ना कभी लाइफ में किसी स्टेज में वो लोग COVID-19 से इन्फेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से एंटीबॉडी डेवलप हुई, जो इशारा करता है कि ऑलमोस्ट दिल्ली के 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन को COVID-19 हो चुका था, जो कि एक तरह से बहुत ही मिली जुली सी बात है. मतलब अगर इसको गंभीरता से लें तो हम ये सोचेंगे कि यार देश में, दिल्ली में 1/4 जनसंख्या को COVID-19 हो गया था. लेकिन अगर ये देखें, 1/4 जनसंख्या के पास उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा देश अब हर्ड इम्यूनिटी के रास्ते पर चल चुका है, जो कि
जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तो हमारे देश के लिए काफी अच्छी बात है। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो लगभग हो ही चुका है, ना ही सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के बाकी राज्यों के बड़े बड़े शहरों में भी, और धीरे धीरे यह गाँव स्तर पर भी पहुँच रहा है। और जो ये सीरो स्टडी से बात सामने आई जिसमें लगभग 45 लाख दिल्ली की जनता जो कि करीब 24-25% के बराबर है, तो वो अपने आप में एक स्टडी यह बताती है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कम से कम दिल्ली में। और हो सकता है कि जो इस स्टडी में सामने आया है कि जो अगर सरकारी आंकड़े देखे जाए इस स्टडी के अलावा, तो वो बोलता है कि करीब 1,23,000 लोग दिल्ली में इन्फेक्टेड हैं, जिनमें से 3,700 लोग की मृत्यु हुई है, जो कि काफ़ी दुखद है। लेकिन अगर इस NCDC की जो सीरो स्टडी है जो कि एक गवर्नमेंट संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, उसकी स्टडी को हम सही माने तो करीब 45 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं और उनमें से अगर हम मृत्यु दर देखा जाए तो 3,700, क्योंकि मृत्यु लगभग कभी छुपाई नहीं जा सकती, बहुत बार बहुत कमी होता है कि सरकारी आंकड़े मृत्यु छुपाई जा सके, तो उस देखा जाए तो 3,700 की जो मृत्यु हुई है दिल्ली में, तो उस हिसाब से जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेशियो होता है वो करीब बनता है 10,000 में से 10,000 व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड हैं जिनको कोरोना हुआ है उनमें से 9 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जो कि जो ये दर है, हालांकि कोई भी मृत्यु अपने आप में एक दुखद घटना है, लेकिन जो ये दर है अगर हम बाकी देशों से उसकी तुलना करें तो बहुत कम है, और बाकी देशों की तुलना में वो बहुत कम है। और हम कह सकते हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी की राह में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इसमें संशय बना हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि एक रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे भारतीयों में बढ़ रही है। इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है और एक नेगेटिव पक्ष भी, दोनों भी है इस स्टडी का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने अभिषेक। अनुभव, मैं आपसे एक बार ये जानना चाहूंगा कि जो अभी हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे थे, तो दिल्ली को लेकर के कम्युनिटी स्प्रेड की बात हुई, तो क्या हुआ था कि पिछले महीने जून में 15 जून के करीब वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया कि ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि किस कहां से सोर्स क्या है कोरोना का। तो सरकार की इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है कि वो कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में ये मान क्यों नहीं रही कि कम्युनिटी स्प्रेड क्यों हो रहा है? और एक बार मैं चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग में जरा सा जो हमारे श्रोता है तो उनको एक अच्छे से बता दीजिएगा कि कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है। आदित्य, जब फरवरी एंड से इंडिया में कोरोना वायरस की न्यूज आने लगी तो एक बात पता चली, कोरोना वायरस एक महामारी के का रूप ले रहा है, ठीक है। तो हम सबको इस बात का डर था कि कोरोना वायरस कहीं भारत में ना आ जाए, हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, इतना भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, यहाँ पर आ गया तो कितने सारे लोगों को हो जाएगा। तो उसमें एक शब्द निकल के आया, कम्युनिटी स्प्रेड, क्योंकि उस समय चाइना में सबसे पहले वुहान में हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे इटली में गया, स्पेन में गया और फिर यूएसए उसका एपी सेंटर बन गया था। तो होता क्या था, जब फरवरी में सबसे पहले भारत में केसेस आने लगे तो हम लोगों को एक चीज पता चल रही थी कि जो भी आदमी विदेश से भारत आ रहा है उसको COVID-19 होने के चांसेस बहुत हाई है और वही एक पोटेंशियल सोर्स है जो कि बाकी लोगों को कोरोना वायरस दे सकता है, उनको फैला सकता है। तो होता क्या था कि जैसे कोई आदमी विदेश से आया और वो कई लोगों से मिला और हम लोगों ने में से किसी को वो सिम्टम डेवलप हुए, हमने टेस्ट कराया, तो फिर हमसे पूछा जाएगा कि आप पिछले 14 दिनों में किसी जिसने विदेश में ट्रेवल किया था उससे मिले कि नहीं मिले, कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी था उसके संपर्क में आए कि नहीं आए। तो उससे हमें ये चलता था कि इस आदमी को COVID-19 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि वो किसी ऐसे आदमी से मिला या कि वो तो COVID-19 पॉजिटिव था या कोई ऐसा आदमी था जो विदेश से आया था, वो हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो लेकिन उसके अंदर COVID-19 था और उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो यानी कि आप एक चेन एस्टेब्लिश कर सकते थे कि जो पर्टिकुलर आदमी आज COVID-19 पॉजिटिव हुआ है उसका रीजन क्या था। लेकिन जब कम्युनिटी स्प्रेड में आती है तो ये होता है कि वो सोसाइटी में इतना प्रिवेलेंट हो जाता है वो वायरस कि आप उसको बता नहीं सकते कि ये आदमी आज कोरोना पॉजिटिव क्यों हुआ है, क्या वो किन लोगों के संपर्क में आया, क्योंकि वो कम्युनिटी में जा रहा है, मार्केट जा रहा है, अपने वर्क पर जा रहा है, तो वहां पे कोई भी ऐसा आदमी हो सकता है जो कि सिम्प्टोमेटिक हो या एसिम्प्टोमेटिक हो, उसके संपर्क में आने की वजह से उसको कोरोना वायरस हो गया। तो कम्युनिटी स्प्रेड में
बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता कि आप किसके साथ उठे बैठे साथ में काम किया, जो जिसके पास कोरोना वायरस, जिसने अंदर वायरस था और आपको ट्रांसफर कर दिया, वही चीज कम्युनिटी स्प्रेड है। और बात ये आती है कि गवर्नमेंट कम्युनिटी स्प्रेड बताने से डरती क्यों है? इसके दो रीजन। पहला रीजन ये कि अब तो जैसा कि हमें पता है कि जब से लॉकडाउन खत्म हुआ तब से अब टीवी पर कोरोना वायरस की न्यूज नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन उसके पहले केवल 2 महीने तक कोरोना वायरस की न्यूज आई, तो बिल्कुल उसमें जो बिल्कुल आती थी कि वो कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए। तो कम्युनिटी स्प्रेड का जो डर है ना लोगों में, कि कम्युनिटी स्प्रेड मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हो गया है और एकदम बहुत ज्यादा फैल गया है कोरोना वायरस, तो लोगों के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड का फोबिया डेवलप हो गया। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो कहेगी कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो इससे दो बातें सामने आएंगी। पहला ये कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल गया है और अब हम लोगों को पता नहीं चल सकता कि किसके साथ उठने बैठने से या काम करने से कोरोना वायरस हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल गवर्नमेंट फेलियर भी दर्शाएगा कि गवर्नमेंट जिसने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था और आप मुझे केवल 21 दिन दीजिए दीजिए, हम ये युद्ध 21 दिनों में जीत लेंगे, तो वो चीज अब झूठ साबित हो जाएगी। मतलब जो हमें स्टार्टिंग में जब भारत में 500 केस भी शायद नहीं आए थे और हमने लॉकडाउन किया था, तो और अब गवर्नमेंट खुद ये कबूल कर लेगी कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो वो एक शर्मिंदा होने जैसी बात होगी। तो मुझे लगता है इसलिए भी गवर्नमेंट नहीं कबूल कर रही है कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक तो गवर्नमेंट की थोड़ी सी जो छवि को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि छवि बनाने के लिए ही वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं मान रही। दूसरा जो एक बात यह है कि जैसे आपने बताया ट्रांसमिशन, लोकल ट्रांसमिशन से जो होता है, तो लोकल ट्रांसमिशन का प्रोटोकॉल ये है कि लोकल ट्रांसमिशन में लोगों को ट्रैक किया जाता है और उसके बाद उस जिनको कोरोना के सिम्टम होते हैं या जो किसी कोरोना के सिम्टम कोरोना के पेशेंट के करीब आए हैं तो उनको क्वारंटीन किया जाता है, उन पर निगरानी होती है। पर जब हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात करते हैं तो उसके प्रोटोकॉल्स बदल जाते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड में पूरा फोकस मरीज के ऊपर रहता है और इलाज के ढंग पर रहता है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था की बातें सामने आ रही हैं कि कोविड स्टेशन पे क्या क्या हो रहा है। तो जब लोकल ट्रांसमिशन गवर्नमेंट मान रही तो वहां पे इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर हम लोग इस चीज को ऑफिशियल कर दें कि हमारे यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो हो सकता है हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी ही ना हो कि हम कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के हिसाब से इलाज इलाज कर पाए। तो अभिषेक आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं आप लोग की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो अनुभव ने बात बताई और जो उसका कारण जो हमारे राज्य और या हमारी सरकारें उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं वो लगभग बिल्कुल सही है। और अभी पहली बार पहला स्टेट जिसने थोड़ा एक्सेप्ट किया है वो है माननीय सीएम केरला के पिनराई विजयन, जिन्होंने एक्सेप्ट करा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन लगभग शुरू हो चुका है, वो भी तब जब केरला अभी भी बहुत बाकी स्टेट से उसके जो कोविड केसेस हैं बहुत कम, बहुत पीछे है, फिर भी वहां पर एक्सेप्ट हो चुके। तो आप लोग की बात से मैं सहमत हूँ। आप इससे जुड़ी कुछ और बात हमें बताना चाहेंगे? मैं इसी सेरो टेस्ट टेस्ट पे वापस आता हूँ और जो तो कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि 10,000 में से सिर्फ 9 लोग, सिर्फ तो नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ 9 लोगों की मृत्यु हो रही है, एक की भी मृत्यु ज्यादा है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो पहले हर्ड इम्यूनिटी समझ लेते हैं अच्छे से होता क्या है। हर्ड इम्यूनिटी वो स्टेज होती है जिसमें कुछ पॉपुलेशन का कोई परसेंटेज, मान लीजिए 100 लोग हैं किसी देश में एग्जाम्पल के तौर पे, और कुछ परसेंटेज मतलब 60 से 90% के बीच लोग वहाँ पर इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब या तो उनको बीमारी हो गई है और वहाँ उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, या वैक्सीनेशन के थ्रू वो प्रोटेक्टेड है 60 से 90% के लोग। तो जो बाकी बची जनता है उनको ना तो वैक्सीनेशन की जरूरत है ना ही बीमारी से इन्फेक्टेड होने की जरूरत है या डिजीज से इन्फेक्टेड होने की जरूरत है, और वो लोग इन दोनों केसेस में के बिना भी बचे रह सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, पहली बात जी हो जी गई। जी और जहां तक दिल्ली की बात हुई कि दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी है, डेवलप हुई है नहीं हुई, तो पहली बात हमें यह नहीं पता कि कोविड-19 डिजीज के लिए जो हर्ड इम्यूनिटी किस किस परसेंटेज पे होगी, 90 पे होगी, 85 पे होगी या 75 पे होगी।
एक मिसिल्स करके बीमारी है जिसकी हर्ड इम्यूनिटी 85% थी, मतलब अगर देश की जनता 85% लोग उससे इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड है, बचे हुए हैं। मान लिया एंटीबॉडी डेवलप हो गई है बीमारी से, बीमारी आने के बाद या फिर वैक्सीनेशन हो गया, तो बाकी जो 15% लोग हैं वो बचे रहेंगे मिसाइल से। तो इसका हमें ठोस तौर पे पता मालूम नहीं है COVID-19 के केस में कि कितना परसेंटेज लोगों को इन्फेक्ट होना पड़ेगा या वैक्सीनेट करना पड़ेगा ताकि हर्ड इम्यूनिटी रीच हो सके। ठीक है, तो अभी जो सैंपल साइज था दिल्ली का या फिर जो सीरोलॉजिकल सर्वे यहाँ हुआ, तो इसमें हम इस श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई या। तो अभी इतना ही है फिलहाल सीरोलॉजिकल टेस्ट में। उसके अलावा जो वैक्सीन डेवलप हुई है, चाहे वो बायोटेक भारत बायोटेक ने डेवलप करी हो जिसका नाम है कोवैक्सीन, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई है जिसमें भारत का एक भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चाह रही है कि भारत में भी उसके ट्रायल किए जाएँ। जो वैक्सीन डेवलप हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है AZD1222, तो उसका भी अब ट्रायल रन फेज टू और फेज थ्री शुरू होने की बात हो रही है, और देखते हैं जितनी जल्दी वैक्सीन डेवलप हो उतना बेटर है। तो अनुभव, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं चाहता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं उनको बिल्कुल बारीकियां समझ में आए इन सारी चीजों की कोरोना से जुड़ी हुई। तो जैसे कि अभिषेक ने अभी बताया कि सेकेंड और थर्ड फेज के ट्रायल की बात हो रही है, तो ये क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है, इसमें कितना समय लगता है और ये उसके फेज क्या होते हैं? अगर मैं क्लिनिकल ट्रायल्स पे आऊं, उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जैसे हमने हर्ड इम्यूनिटी की बात की, तो अभी अभिषेक ने मीजल्स का एग्जांपल दिया कि 80-85% कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो बाकी के 15-20-30% लोग, उनको कोई ज़रूरत नहीं है वैक्सीनेशन देने की, वो अपने आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ताकि हमारे जो श्रोता हैं उनको एक रियल एक्सपीरियंस हो जाए कि हर्ड इम्यूनिटी काम कैसे करती है। तो जैसे अभी मान दिल्ली में ये बात पता चल गई कि 23% लोगों को COVID-19 की एंटीबॉडी डेवलप हुई, और जैसे जैसे भारत में दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड होगा तो जो आंकड़ा अभी 23-24% है वो बढ़ के 50-60% हो जाएगा। तो अब ये इम्यूनिटी जो हर्ड इम्यूनिटी मतलब 50-60% लोगों के अंदर वो एंटीबॉडी आ गई है, वो कैसे COVID-19 पैंडेमिक को ब्लॉक करेगी, मैं आपको उसका छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली का मान लीजिए, दिल्ली में 60% लोगों जब ये जो अभी टेस्ट हुआ, अभी जो सैंपल सर्वे लिया गया वो 2 महीने बाद दिया गया, तो जो आंकड़ा अभी 23.5% था वो 58% हो गया 2 महीने बाद। ठीक है, तो क्या जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है उसमें एक 10-15 लोग काम करते हैं उस ऑफिस में, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि मेरी फैमिली में किसी को कोरोना होता तो होता क्या, और मेरे अंदर उसकी इम्यूनिटी नहीं होती तो मेरे फैमिली मेम्बर जैसे मेरी वाइफ है या फिर मेरे घर में मेरे फादर है, मेरा भाई है, किसी को भी पहले कोरोना होता फिर उससे मुझे होता, फिर मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में मेरे किसी कुलीग को होता जो जिसके साथ मैं काम करता हूँ, और उसकी वजह से उसकी वाइफ और उसके बच्चों को होता, तो जो कि अभी हमें पता चल रहा है कि इसी तरह से फैल रहा है, ठीक है, इसी तरह से कोरोना फैल रहा है, तो लेकिन होगा क्या, और फिर उसकी वाइफ की वजह से वो बाहर सब्जी लेने गई तो सब्जी वाले को हो गया, और फिर उससे बहुत सारे लोग सब्जी वाले क्योंकि एक सोर्स बन गया। अभी यही पैटर्न फॉलो होता है कोई भी एपिडेमिक होता है, तो इसी तरह से ये बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो होगा क्या कि मेरे मान लीजिए मेरी वाइफ को हुआ और मेरे अंदर उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो गई, अब मेरे साथ में कोई नया आदमी जो कि आया, तो अगर मेरे अंदर उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो नेक्स्ट आदमी जो मेरे साथ में काम कर रहा था उसको वो चीज ट्रांसमिट नहीं होगी क्योंकि मेरे बॉडी में अब एंटीबॉडीज है और अब मेरे अंदर कोरोना वायरस नहीं है, तो होगा क्या कि जो हर्ड इम्यूनिटी आई उसकी वजह से ना मेरे कुलीग को COVID-19 होगा, ना ही उसकी वाइफ को, ना वो सब्जी वाले को, तो जो हर्ड इम्यूनिटी वो क्या करती है, वो ट्रांसमिशन चेन को रोक देती है, एकदम स्टॉप लगा देती है, उसकी वजह से जो एक पॉपुलेशन है 20-30% जो पॉकेट है वो सेफ रहता है क्योंकि वो ट्रांसमिशन ही अपने आप हर्ड इम्यूनिटी की वजह से रुक जाता है।
तो बस इतना ही मैं कहना चाहता था ताकि लोगों को थोड़ा इजीली समझ में आए कि ये होता क्या है। अब आप अब बात करना चाहते हैं क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। तो क्लिनिकल ट्रायल में ये क्लिनिकल रिसर्च में ये बताना चाहता हूँ कि क्लिनिकल रिसर्च होता है कि आजकल जैसे अभी बाबा रामदेव ने कोरोनेल की बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमने इसका क्लिनिकल रिसर्च किया था और राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल था जहाँ पे ट्रायल्स दिए गए थे। तो और हमने आज महीने में WHO की जो स्टडी आई थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी और सब कह रहे थे कि इतनी जल्दी कोई भी वायरस के लिए जो वैक्सीनेशन डेवलप होती है वो इतनी जल्दी आ नहीं सकती है, इसमें कई 5-10 साल लगते हैं, लेकिन अगर हम इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू करेंगे तो भी इसमें 1.5-2 साल लगेगा। तो सबसे पहले ये समझने की चीज़ है कि क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है या फिर क्लिनिकल रिसर्च होता क्या है। तो क्लिनिकल रिसर्च है, स्टेप बाय स्टेप आप एक वैक्सीन डेवलप करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सैंपल साइज में, ताकि आप उसकी सार्थकता प्रमाणित कर सके कि वो वैक्सीन कारगर है, उसका कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है बॉडी पर। जी जी। तो वो एक स्टेज वाइज डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन है, ठीक है। अब पहली बात है हमको ये समझना होगा कि ये नंबर ऑफ स्टेजेस क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूज आ रही है, सीरम इंस्टीट्यूट की आ रही है, भारत बायोटेक की न्यूज आ रही है कि अभी वो लोग इस स्टेजेस पे पहुंचे हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इसके स्टेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली ये बात है कि कोई भी वैक्सीन की सबसे पहले डिजाइन होती है, उसको बनाते हैं कि हम इस रास्ते पर चलेंगे जिससे हमारी वैक्सीन डेवलप होगी, ठीक है आदित्य। तो उसके पहले कि वो एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, मतलब हमें वैक्सीन मिल जाती है और हम उसको सबसे पहले ह्यूमंस पे डायरेक्टली टेस्ट नहीं करते, हम उसको कोई ह्यूमन सेल पर या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म पर टेस्ट करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो टॉक्सिक तो नहीं है, मतलब और उसकी एफिकेसी क्या है। तो जब ये प्रमाणित हो जाता है कि वो टॉक्सिक नहीं है और वो उसका फार्मा काइनेटिक एक शब्द होता है कि मतलब जैसे बॉडी में कोई वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई तो वो बॉडी में जितने समय तक रहती है उससे उसका क्या पैटर्न है, वो हमारी बॉडी के साथ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर जो बायोलॉजिकल सेल्स है उनके साथ कैसे रिएक्ट करती है। जब ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है तो हम फिर आगे प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज होता है फेज 0, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये 4 स्टेज होते हैं। तो आज पहला जो फेज 0 होता है वो बहुत ही कम लोगों पर किया जाता है, 5-10 लोगों पर वो टेस्ट होता है। उसमें खाली ये बात एस्टेब्लिश की जाती है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है कि फार्मा काइनेटिक्स, मतलब कि वो बॉडी में अंदर जाने के बाद उसकी साइकिल क्या है, वो बॉडी सेल्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो उसका एंड तक उसको ट्रैक किया जाता है। तो अगर उसमें ये बात पता चल जाती है कि वो उसकी एफिकेसी ठीक है तो हम उसको आगे बढ़ते हैं। हम उसी जो फेज 0 की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें हम ड्रग की हाफ लाइफ के बारे में देखते हैं, वो कब तक हमारी बॉडी में रहती है, वो सब एस्टेब्लिश करते हैं। जब वो हो जाता है तो हम फिर जो एक्चुअल ट्रायल्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, जैसे फेज 1। तो हम फेज 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो फेज 1 में क्या होता है कि 20-100 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया जाता है। इसमें जो डोजेस दी जाती है, तो आदित्य मैं ये बताना चाहूँगा डोजेस जो है वो सब थेरेपेटिक डोजेस ऐसा होता है, मतलब सब थेरेपेटिक डोजेस मतलब कि जब मान लो कि ये वायरस के लिए वैक्सीन आ जाएगी तो जो एक्चुअल डोज है ना वो डोज उस समय नहीं दी जाती फेज 1 में, उस डोज से कुछ अलग उससे कम डोज दी जाती है ताकि अचानक से बॉडी पर कोई इफेक्ट ना आए। तो सब थेरेपेटिक डोज दी जाती है और धीरे धीरे अगर लगता है कि ये वैक्सीन सही जा रही है तो उन जो 10-20-50 मतलब अंडर 100 जितने भी लोग हैं जो फेज 1 के ट्रायल में उनके वो डोजिंग बढ़ाई जाती है। तो उससे हम डोज की रेंज सेट करते हैं कि कितना डोज देना सही है, कितने पे उसका हार्म आ जाएगा, कितने कम डोज से इफेक्ट नहीं आ रहे, तो हम वो सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। और वो फेज 1 ट्रायल ही है जो कि हमें ये बात दिखाता है कि वो ड्रग कारगर हो रही है। तो इसमें जो
सक्सेस रेट है ना इस फेज वन ट्रायल का वो लगभग 70% है। मतलब 70% जितने भी लोग फेज वन ट्रायल जिनको अनुमति मिलती 70% लोग उसको पास कर लेते हैं, फिर बारी आती है फेज टू की। तो फेज टू ट्रायल्स में आते थे 100 से 300 लोगों के ऊपर वो टेस्ट किया जाता है, उसमें बिल्कुल थेरेपेटिक डोजेस दी जाती है जो एक्चुअली में दी जाएंगी वैक्सीन में। उसका जो प्राइमरी गोल होता है फेज टू ट्रायल्स का वो होता है कि टू टेस्ट द एफिकेसी और एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, की ड्रग काम कर रही है और पहली चीज, और दूसरी चीज उसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं। तो जैसे अभी हमारे न्यूज आ रही थी कि जो अभी रोहतक में वो पीजीआई रोहतक में जो वैक्सीन इंडिया डेवलप कर रहा है जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो बोला गया है कि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट। तो अभी मुझे जहां तक लग रहा है कि इंडिया में फेज टू ट्रायल्स अब कंप्लीट होने ही वाले हैं, और फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि हम लोग के स्टेज के हिसाब से तीन चीजें वैरी करती हैं। पहली चीज हमारा प्राइमरी गोल कि हम वैक्सीन को हर फेज में क्या हमारा प्राइमरी गोल है, दूसरी चीज कि कितने पेशेंट्स के ऊपर उसकी टेस्टिंग हो रही है, और तीसरी चीज होती है कि उसका सक्सेस रेट क्या है वैक्सीन का। तो एक साथ जैसे WHO या कोई भी संस्था जो कि ट्रायल्स को अलाउ करती है, तो वो एक साथ कई कंपनीज को और कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को मौका देती है कि आप वैक्सीन के लिए करिए। और जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में जो एक ये इसकी टेस्टिंग कोरोना वायरस की जब टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी, तो लगभग 600-700 जो कंपनीज और अलग अलग इंस्टीट्यूट ने बोला था कि हम आगे करेंगे कि हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं, और आखिरी में अभी जो हाल में जो रीसेंट फेनोमेना अभी एस्टेब्लिश हो रहा था, उसमें खाली दो ही ऐसी कंपनी बची हैं और इंस्टीट्यूट्स बचे हैं जिनका फेज थ्री ट्रायल में पहुंचे हैं, और मात्र 7 ऐसे इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज हैं जो कि फेज टू ट्रायल में, मतलब कि बाकी सारे इन फेजेस में छट गए, या तो किसी की एफिकेसी इस्टेब्लिश नहीं हुई या तो कोई टॉक्सिक था। तो अब खाली 7 इंस्टीट्यूट्स या कंपनीज ऐसी हैं जो कि फेज टू ट्रायल्स में, और खाली 2 कंपनीज ऐसी हैं जो कि फेज थ्री ट्रायल्स में। और फिर फेज थ्री ट्रायल्स जब हो जाते हैं, तो वैक्सीन जो फेज थ्री ट्रायल्स है उसमें लगभग 300 से 3000 पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, और उसमें भी थेरेपेटिक डोजेस दी जाती हैं। उसमें हम लोग जो हमारे प्राइमरी गोल्स होते हैं, वो पहला एफिकेसी है, मतलब वैक्सीन कारगर है कि नहीं है, दूसरा एफेक्टिवनेस है कि वो कितनी एफेक्टिव है, और जो तीसरा पॉइंट है उसका वो है सेफ्टी कि मतलब वो सेफ है, उससे कोई ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आ रही है। तो ये 300 से 3000 लोगों पे ये ड्रग टेस्ट किया जाता है, और अगर ये फेज थ्री ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये मार्केट में लॉन्च करने के लिए परमिशन मिल जाती है। फिर उसके बाद फेज फोर ट्रायल्स आ रहे हैं जिसमें पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है, मतलब एक बार जब ड्रग मार्केट में आ जाती है तो भी सर्विलांस उसका जारी रहता है, ताकि पता चले कि उसके कोई आफ्टर इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, और जो ड्रग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जैसे बहुत समय तक अगर वो ड्रग कोई ले रहा है तो उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं आ रहा, उन सब पैरामीटर्स को फिर देखा जाता है। जी जी बिल्कुल, तो आपने काफी अच्छे से समझाया। मैं अभिषेक आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि जैसे अनुभव ने तो पूरा एक पैटर्न बताया कि एक नॉर्मल ड्रग के लिए क्या होता है, फिलहाल कोविड के केस में जैसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है, तो यहाँ पर क्या संभावना है क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर के? जैसे अनुभव ने बताया, कोई भी जो वैक्सीन या कोई भी जो दवाई लॉन्च होती है बाजार में रोगों को ठीक करने के लिए, उसको यही सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, और गुजरना चाहिए भी, ताकि अगर हम एक दवाई एक बीमारी को ठीक करने के बदले तो हम बाकी बीमारियां ना डेवलप करें। क्योंकि वैक्सीन बनाना, एक वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में हम एक फेंटेड या एक वीक जो वायरस या बैक्टीरिया है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी जो हमारी उस फेंटेड या उस वीक जो वायरस या बैक्टीरिया है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी से डेवलप करती है, और एक मार्कर बना लेती है, मतलब एक याद कर लेती है, मेमोरी बना लेती है कि भाई अगर अगली बार ये इसी तरीके का वायरस या बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बहुत पूरी पूरी फुल फोर्स के साथ हमारी इम्यूनिटी से इम्यूनिटी है वो काम करती है, एक तरह इस तरह से वैक्सीन काम होती है। और अगर मान लो वैक्सीन कोई डेवलप करते करते अगर वो फेंटेड या वीक वायरस नहीं है बल्कि वो स्ट्रांग वायरस हो जाता है या स्ट्रांग बैक्टीरिया हो जाता है,
तो वैक्सीनेशन के बजाय तो हम तो डिजीज पास करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए पूरे फ्रेजेस से इसको गुजरना पड़ेगा और गुजरना चाहिए भी, और कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। जैसे आईसीएमआर ने एक डेडलाइन ड्रॉ कर दी कि 15 अगस्त तक हम लॉन्च कर लेंगे जो कि कोवैक्सीन, जो कि अपने आप में एक मतलब एक तरह से बहुत महत्वाकांक्षी एक उद्देश्य है, क्योंकि आपने अभी तो फेज 1 फेज 2 फेज 3 इन सबसे गुजरे नहीं है आप, और आपने खुद बोल दिया कि 15 अगस्त तक हम वैक्सीन लॉन्च कर देंगे। इतने आप श्योरिटी से किसी भी इस तरीके की वैक्सीन के मामले में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। देर से भले आए लेकिन दुरुस्त आए वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो मेरा मानना तो है। तो अभिषेक, आप इसके कोरोना से जुड़ी कुछ और चीजें हमें बताना चाहेंगे? कोरोना से जुड़ी और चीजें तो यही है कि जो प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा बैंक बन रहा है बहुत से स्टेट्स में, सबसे पहले दिल्ली ने बनाया और अभी राजस्थान ने भी प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी है, पहला स्टेट बना है। दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है और तो राजस्थान में पहला प्लाज्मा बैंक इस हफ्ते लॉन्च शुरू हुआ है, और साथ ही साथ बहुत से स्टेट्स ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी है। तो प्लाज्मा थेरेपी है क्या? तो प्लाज्मा थेरेपी में ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई बीमारी अटैक करती है या कोई वायरस अटैक करता है तो एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, तो वो लोग जो उस बीमारी से ठीक हो गए और उनके प्लाज्मा में, प्लाज्मा एक ब्लड का पार्ट होता है, ब्लड के तीन पार्ट्स होते हैं प्लाज्मा, आरबीसी वाइट ब्लड सेल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, जिनको ब्लड कॉर्पस्कल्स करके एक कैटेगरी में वो कर दिया है। प्लाज्मा हो गया, ब्लड कॉर्पस्कल्स हो गया, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो तीन पार्ट से ब्लड बनता है। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, और सारे एंटीबॉडीज जितने भी डेवलप होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और प्लाज्मा की अगर वॉल्यूम देखा जाए तो पूरे टोटल ब्लड का प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है करीब 55%, ठीक है। तो प्लाज्मा में ही जितने भी एंटीबॉडीज एंजाइम्स वगैरह जितने भी पाए जाते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप हुई और प्लाज्मा में जो उन लोगों में पाया गया तो उस प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकाल के हम जो रोगी है उनके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं एंटीबॉडी को, ताकि उनकी जो एंटीबॉडी है वो इस वायरस से लड़ सके, ठीक है। इसी तरह हम प्लाज्मा बैंक जो डेवलप कर रहे हैं, ये तो उनकी प्लाज्मा थेरेपी का प्लाज्मा बैंक, उन लोगों से आग्रह किया जा रहा है जो लोग कोरोना वायरस जिनको हो चुका है और उससे लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं, मतलब स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना होने के बाद, COVID-19 होने के बाद, तो वो लोग अपना प्लाज्मा ब्लड डोनेट करें, उसमें से प्लाज्मा निकाल के अलग से एंटीबॉडीज जो डेवलप हुई वो हम एक रोगी पे इंजेक्ट करते हैं और वो भी उससे स्वस्थ हो जाए। जब एंटीबॉडी हम दूसरे रोगी पे डेवलप इंजेक्ट करते हैं तो जो रोगी है रोगी के अंदर और भी एंटीबॉडीज उसी तरीके की डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ये होगी प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा बैंक के बारे में। तो ये अभिषेक, अभी तक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि ये पूर्णता सही कर रहा है कि बस ये अभी एक अल्टरनेटिव है। पूर्णता सही नहीं कर रहा है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब वैक्सीनेशन जितना तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती कि भाई किसी व्यक्ति को हुई ना, लेकिन कुछ तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे COVID-19 की ना तो अभी दवाई आई है ना वैक्सीन आई है, तो जिस तरह हम बाकी दवाइयों का इस्तेमाल करें, जैसे हम रेमडेसिविर दवाई का इस्तेमाल करें जो कि हेपेटाइटिस सी से लड़ने के लिए बनी हुई थी, वो ठीक करने के लिए बनी थी, उसका हम उसको हम कोरोना वायरस से COVID-19 से लड़ने के लिए भी उस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे डेक्सामेथासोन में इस तरीके की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर, इस तरीके की दवाइयाँ हैं जो कि बनी अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए थी, लेकिन हम इस समय इसके लिए उपयोग कर रहे हैं COVID-19 से लड़ने के लिए, क्योंकि वायरस ने तो अटैक कर लिया, उसके अलावा अगर कोई बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बाकी कोई वायरल इन्फेक्शन जो आर्मी को अटैक कर रहा है उस वजह से बाकी बीमारियां ना हो, इस तरीके की दवाई या इस तरीके के ड्रग्स थेरेपी लेना ज्यादा बेटर होगा, और या फिर प्लाज्मा थेरेपी लें, तो ये सब समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। तो जैसा कि अभिषेक आपने बताया कि ICMR बहुत ही महत्वाकांक्षी हो रही है, उसने कहा कि हम आने वाले 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर देंगे, तो मैं थोड़ी बातें ICMR के बारे में भी कहना चाहूंगा कि जैसे हालांकि ICMR ने अपनी टेस्टिंग की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ा दी और आज की तारीख में यानी कि जो 26 जुलाई को उन्होंने सर्कुलर दिया था उसके मुताबिक 4,42,263 टेस्ट हुए हैं, लेकिन ICMR ने बहुत ही कम ट्रांसपेरेंसी रखी है। जैसे कि मैं कोरोना की न्यूज को कोरोना की खबरों को रोज ट्रैक करता था, तो 24 अप्रैल तक क्या होता था कि ICMR की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, ठीक है,
तो वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, वो पूरा हिसाब देते थे। तो उसके सिवा वो हर रोज रात को 9 बजे एक प्रेस रिलीज निकालते थे। उस प्रेस रिलीज में ये रहता था कि आज टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए हैं और कितने इंडिविजुअल पॉजिटिव निकले और कितने टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव निकले, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट हो सकता है कि जो पहले के मरीज हो उनके ऊपर भी हो रहा हो, तो वो रहते थे। और नए कितने मरीज निकले हैं, ये सब पूरा एक बहुत ही अच्छा ब्रीफिंग आता था। उसके बाद से 24 तारीख के बाद से आईसीएमआर ने क्या किया कि वो बस एक नंबर निकालने लगी, और उन्होंने निकाल ऐसे दिया कि आज फलाने तारीख को 1 लाख टेस्ट हुआ है, वो ये देने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 5 मई को एक नोटिफिकेशन डाला अपनी वेबसाइट पर, और उन्होंने कहा कि कल से यानी कि 6 मई से अब वो कोरोना के अपडेट्स केवल दिन में एक बार देंगे। तो यानी कि पहले कोरोना के अपडेट्स दिन में 2 बार आती थी, एक सुबह 8 बजे और एक शाम को 5 बजे। फिर उन्होंने कर दिया कि अब कोरोना के अपडेट्स केवल दिन में एक बार आएगी। तो यानी कि इंसान परेशान है, जनता परेशान है, तो उस समय कम्युनिकेशन रखना बहुत ही जरूरी चीज है, पर एक तरीके से कम्युनिकेशन बीच में बंद किया गया। और फिलहाल मेरे मेरी जान में जो आखिरी बार आईसीएमआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अच्छे ढंग से किए, वो 11 जून को की थी। उसके बाद उनकी कोई बस दूर दूर से उड़ती खबरें आ रही, कोई साथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं रही है। जून के महीने में तो ना के बराबर हुई थी, जुलाई में भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को तला तरस रहे। तो अनुभव, आप सरकार का और आईसीएमआर का या मंत्रालय का जो कम्युनिकेशन के प्रति रोल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आदित्य, मैं क्या कहूं, मतलब मुझे अब इस देश की जो मीडिया है, मुझे इसका रोल कुछ खास समझ में आता नहीं है। मतलब एक समय था जब हम कहते थे मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी और उसकी अकाउंटेबिलिटी बरकरार रखने के लिए मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो जिस तरह से चीजें इंडिया में फैलाई जा रही है, जो मीडिया का वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही हैं किसी भी मीडिया के माध्यम से, वो चीजों को छुपाने के लिए या फिर गलत मैसेज या फिर लोगों को माइंड वॉश करने के लिए या फिर नेगेटिव इफेक्ट को कम करके दिखाने के लिए ही की जा रही है। और मैं ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, और जैसा कि आपको खुद भी पता है कि ना केवल कोरोना वायरस, और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो अलग अलग ट्विटर से लेके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जो कि और खासकर मुझे चिंता और हैरानी तब हुई जब खुद अमिताभ बच्चन ने कह दिया था कि थाली बजाने के इसकी वजह से ध्वनि और कंपन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वायरस मर जाता है। तो मतलब मैं खुद समझ नहीं पाता कि हमारा देश आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। जी। तो अभिषेक, तो आपका क्या मानना है कि कम्युनिकेशन आज के दौर में कितना जरूरी है? कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय करती है कि भाई कितना अच्छा गवर्नेंस है एक देश में। और छुपाने वाली बात तभी आती है जब हम सही से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं पाते, या सही से हम कर्तव्यों को निभा नहीं पाते, का पूरा तरीके से पालन नहीं कर पाते। और कई कई बार ऐसा होता भी है कि जरूरत जरूरी पड़ जाता है कि हम अच्छे से कम्युनिकेट ना करें, ताकि देश में सही, कई कई बार मतलब तो कहते हैं ना कि वो अच्छा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोलना पड़े बोलना चाहिए। तो कई कई बार जनता में पैनिक, जनता पैनिक ना करे, इन सब चीजों को से बचने के लिए भी कई बार एक्सेप्ट नहीं करना होता है कि भाई नहीं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, या फिर इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतने केसेस नहीं बढ़ रहे। क्योंकि ये कोरोना, कोविड-19 या जो SARS-CoV-2 है, जो वायरस है, उसके बारे में बहुत कम नॉलेज है अभी भी। अभी भी जो वायरोलॉजिस्ट है या फिर एपिडेमियोलॉजिस्ट है, वही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम को बहुत जरूरी है काम करें। इम्यूनिटी के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, लेकिन कोरोना से कैसे हम लड़े इस पे ज्यादा बात करते हैं। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना से लड़ने में आप बिल्कुल तैयार हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, तो यही है आप बस यही बात। तो मुझे लगता है कि हमने कोरोना के बारे में आज काफी ज्यादा बातें कर ली हैं। तो जाने से पहले अभिषेक, आपका एक एंड नोट लेना चाहेंगे। एंड नोट तो यही है कि मैं यही बोलूंगा कि कोरोना से ना तो हमें घबराने की जरूरत है, ना
ना ही हमको निश्चिंत होने की जरूरत है। हमको सबसे जरूरी है कि हम अच्छा खाए पिए, अच्छे से अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें, और जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, सिर्फ घूमने के लिए बाहर ना निकले। मास्क का सही से उपयोग करें और ये आराम से इससे जंग जीती जा सकती है। बस हमको सतर्क होने की जरूरत है कि अभी ये भी है कि अगर कोई मॉल्स वगैरह खुल रहे हैं या फिर सिनेमा हॉल वगैरह खुल रहे हैं, वो तो खुलेंगे। सरकार प्रेशर में आती है जब जनता से, प्रेशर ग्रुप जब प्रेशर बनाते हैं, इनकी लॉबीज होती हैं जब प्रेशर बनाती है गवर्नमेंट में, तो उनको खोलना पड़ेगा। लेकिन आप जनता को सतर्क और समझदार होना पड़ेगा कि इस समय वो स्थिति नहीं है जो पहले जैसी थी, और अपनी ही अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। हम अपने ही दोस्त भी अपने ही दोस्त हैं और अपने ही दुश्मन हैं। आपको खुद डिसाइड करना है कि आप अपने दोस्त बनना चाहते हैं अपना दुश्मन। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तो वही करेगी जो प्रेशर ग्रुप्स कहेंगे, ठीक है, तो वही आपको डिसाइड करना है। सही बात, बिल्कुल सही बात बोली आपने। सरकार कई सारी चीजों के लिए बाध्य रहती है और उसको अंत में जाकर के वही चीजें करती है। अनुभव, आपका क्या कहना है इस बारे में? आदित्य, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब वो समय आ चुका है जब हमें सबसे ज्यादा मास्क पहनने की और घर में रहने की जरूरत है, क्योंकि जब केसेस 500 थे और पूरे भारत में, तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में मास्क नहीं भी पहनते तो भी चलता, क्योंकि उस शहर में तो कोरोना था ही नहीं। और अब जब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और हर गली कूचे में आपको एक ना एक केस मिल जाएगा, तो उस समय लोगों ने बाहर घूमना, मास्क उतार कर आराम से टहलना शुरू कर दिया। तो इस वक्त ही वो समय है जब हमें सबसे ज्यादा कोरोना से संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती, तो जो अभी 50,000 केस आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में 1,00,000 केस आए, और धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि भारत की 25% टोटल पॉपुलेशन पॉजिटिव हो जाए। तो अभी सबसे ज्यादा संभलिए, रहिए, मास्क पहनिए, बिना किसी वजह के घर से बाहर मत निकलिए, कोशिश करिए कि आप अपने हाथ धुलते रहें, और जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है, आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी, जिंक, विटामिन B12, जो भी प्रिस्क्राइब्ड इम्यूनिटी बूस्टर्स, उनको लेते रहिए। जी 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 बिल्कुल। तो अभिषेक और अनुभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अनुभव से भी बहुत जानकारी मिली आज, बहुत आप लोगों को। जी जी शुक्रिया आदित्य, बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों ने एक ऐसे टॉपिक पे बात किया जो कि मीडिया जिसको भूल चुकी है, और अभी तो बहुत आगे बहुत लड़ाई बाकी है। जाते जाते मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हम कोरोना के बारे में जब बात करते थे शुरुआत में, तो हम ये कहते थे कि कोरोना चाइना में फैला है, दुनिया में नहीं है। फिर हम बातें करने लगे कि कोरोना दुनिया में फैला है, भारत में नहीं फैला। धीरे धीरे वो भारत में आ गया, फिर हमारे पड़ोसी प्रदेशों में आ गया, फिर हमारे पड़ोसी शहर में आया, हम आज हमारे शहर में, शहर ही में नहीं, यहाँ तक कि हमारे घर के बगल में आ गया है। तो घर से ना निकलने का कोई सही समय है तो वो आज ही है। अफवाहों से दूर रहें, ना कोई जड़ी बूटी आई है अभी तक, ना ही किसी पापड़ से कोरोना सही हो रहा है। घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने। इस पॉडकास्ट को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, यह हमारी वेबसाइट srmpodcast.com, वहां पर इसको रेट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।